बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल इंटीग्रल्स। देखिए, स्पेशल इंटीग्रल्स को हम एक शॉट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक शॉट में करेंगे तो हम लोग जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी है, क्योंकि जो इसमें थ्योरम्स हैं, यानी जो जिनको हम फार्मूला के रूप में यूज़ करेंगे, उनका भी डेरिवेशन हमें जानना चाहिए, क्योंकि दोज क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड एंड दोज थिंग्स विल बी दोज थ्योरम्स विल बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस, हम पहले तो क्या करेंगे, फार्मूला हम लोग डिराइव करते चले जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखने जाएंगे, एंड उसके साथ साथ हम अलग से भी क्वेश्चंस देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि अगर हमारे पास कहीं भी कोई भी अगर चीज़ दिया हुआ है, और अगर पहले इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, मैं कहता हूँ जब भी आप करते हो तो क्या करना है, पहले बुक लीजिए, कॉपी लीजिए, नोटबुक लीजिए एंड पेन लीजिए और नोट करिए। देखिए, सबसे पहले अगर कहीं भी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आपके पास ये हो गया और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो इस सिचुएशन में हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। आप सोच के देखिए क्यों हम कर रहे हैं। आप जो ही इसमें रखोगे ए स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा रखोगे, आप ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं, आप लिखोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वन बाई ए बाहर हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, बाकी चीजें आपको जब वक्त आएगा तो समझ में आ जाएगा। एंड वॉट एवर यू हैव डन विद साइन द सेम थिंग वी कैन डू फॉर कॉस। तो एक चीज तो आपने ये याद कर लिया कि भाई ये पहले हमको क्या है, अगर ये चीजें आती हैं तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरा देखिए, अगर आपके पास 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इस केस में हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा क्यों रख रहे हैं ए टेन थीटा। जो ही आप ए टेन थीटा यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर रूट में है तो सेक थीटा बाहर चला जाएगा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं हम उसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन देखते समय ही आपको बहुत चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। जो तीसरी चीज है आपको समझ में आना है वो है कि अगर वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, याद रखिएगा हम इसको अलग वाला नहीं किए क्योंकि हम अलग से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस केस में हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। याद रखिएगा अगर आप यहाँ ए टेन थीटा रखे हैं तो आप लिख सकते थे एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा भी रख सकते थे, यहाँ एक्स सेक थीटा है तो आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा भी, ये यूज कम होता है। देखिए अगर आप यहाँ लिखते हो एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा तो क्या लिखोगे, ए सेक थीटा ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा, खत्म। ये अपने आप में चीजें आसान हो जाते हैं। एक चीज जो हालांकि बहुत आवश्यकता नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज आती है अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो हम इसमें लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। समझ में आ रहा, देखिए अगर आप ए रख देते हो, ए कॉस टू थीटा रखते हो, ए है
ए कॉस टू थीटा है, अंडर रूट है, ए कैंसिल हो जाएगा कॉमन होके, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई वन प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, और वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, याद आ रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। रास्ते में जब मिलेगा तो इसकी हम चर्चा कर देंगे। इसी तरह से मैंने यहां भी आप रख के देख लीजिएगा कि हम, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। वन है वो क्या है, इंटीग्रेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट वन, हम मानते हैं कि दिस इज इक्वल टू आई, ये फर्स्ट है, और इट कैन बी यूज एज ए फॉर्मूला, जो हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मूला के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वन बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, कैन यू राइट। अब आप क्लास 12 में है तो हम इसको चाहेंगे कि आप ये लिख दीजिए वन बाई एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स माइनस ए माइनस वन बाई एक्स प्लस ए, कुछ समझ में आ रही बात, एक स्टेप बढ़ के सोच के देखिए। हालांकि ये पार्सल फ्रैक्शन में करने को मिलेगा लेकिन वहां पर भी हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं, तो क्या होगा बेटा, हम लिख रहे हैं वन बाई एक्स माइनस ए माइनस वन बाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये ए सॉरी ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या बच गया, टू ए, उसी को हम यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वन बाई टू ए कर लेते हैं। यानी इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा देखिए हम इस पर एक और थोड़ी सी अलग चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देयरफॉर आई कुड बी रिटन एज वन बाई टू ए इंटीग्रेशन वन बाई एक्स माइनस ए माइनस वन बाई एक्स प्लस ए, ये हो गया डीएक्स, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, याद है वन बाई ए एक्स प्लस बी का कितना होता है जी, लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, यहाँ तो ए है नहीं, तो इसका कितना होता, हम जो बोल रहे हैं याद आ रहा है, देखिए वन बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, पहले कर चुके हैं, पहली एक्सरसाइज में हमने बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, इसकी वैल्यू हो गई वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, याद रखिए क्या फॉर्मूला हो गया, वन बाई टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, इज इट क्लियर, कैसे हुआ समझ में आ गया आपको, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मूला, क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखो, एक हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई नाइन वाई स्क्वायर माइनस 49 डी वाई, याद रखिए यहां एक्स नहीं है वाई है, तो वाई कर दिया, ये बेसिकली क्या है, ये वही है वन बाई, आप चाहो तो नाइन को किनारे कर दो, तो अगर नाइन को किनारे कर दोगे तो हमारे पास क्या हुआ, वन बाई नाइन वाई स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सेवन बाई थ्री का होल स्क्वायर, चलेगा क्या, हम जम कर गए कोई बात नहीं, पहले नाइन को हम लेते हैं वन बाई नाइन बाहर करते हैं, यहां लिखते हैं वन बाई वाई स्क्वायर माइनस 49 बाई नाइन डी वाई, समझ में आ गया, इसको हम लिखना है ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे क्या लिख सकते हो, वन बाई नाइन इंटीग्रेशन वन बाई वाई स्क्वायर माइनस सेवन बाई थ्री क्या द होल स्क्वायर डी वाई, यही तो हमने कहा था, किसके फॉर्मूला का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू वन बाई नाइन
इंटू वन बाई टू इंटू ए, ए कितना है, ए इज सेवन बाई थ्री, समझ में आ रही बात। लॉग ऑफ क्या है बताओ, लॉग ऑफ क्या होता है, एक्स माइनस ए, तो यहां क्या होगा, वाई माइनस सेवन बाई थ्री एंड वाई प्लस सेवन बाई थ्री प्लस सी। अब देखिए दिस इज इक्वल टू, यू कैन हैव वन बाई नाइन इंटू टू इंटू सेवन और इंटू थ्री, लॉग थ्री वाई माइनस सेवन बाई थ्री वाई प्लस सेवन प्लस सी, थ्री थ्री कैंसिल, कितना हो गया बेटा 42 log mod of 3y minus 7 by 3y plus 7 plus, is it clear now? क्या किया गया, इट्स वेरी सिंपल, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। क्या किया, 9 को बाहर कर दिया, x square minus a square हो गया, and after that we have directly applied the formula। देखो बेटा सेकेंड हमारे पास है इंटीग्रेशन वन बाई ए स्क्वायर, देखिए वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही हो गया। अगर हम मानते हैं आई इज इक्वल टू, आप देखो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल वही जो मैंने पिछला वाला किया था, खाली साइन चेंज हो गया। तो अगर आप इसको क्या लिखोगे, वन बाई टू ए इन साइड द ब्रैकेट वन बाई ए प्लस वन बाई ए माइनस एक्स, अब इतना समझ में आना चाहिए, a माइनस एक्स, यहां देखो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल टू है, वही टू है, यहां पर आ गया, दैट्स ऑल। तो अगर आपके पास इतना है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर i इज इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जी, वन बाई टू ए इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस ए प्लस वन बाई a माइनस एक्स और ये हो गया डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ए, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू लॉग लॉग ऑफ x माइनस ए, या इसको आप a प्लस एक्स भी कह सकते हो क्योंकि वो a माइनस एक्स है, और इसका होगा कितना, माइनस लॉग a माइनस एक्स, ये समझ में आ रहा है क्यों हमने कह दिया लॉग माइनस, हमने क्यों कह दिया लॉग ए माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन, वो माइनस हमने यहां कह दिया, यानी आपके पास जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी हो गई जी, ये वैल्यू हो गई दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ए लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस सी। सो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास इस पर एक क्वेश्चन करना है तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल की जगह पर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते चले जा रहे हैं ताकि सुविधा हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस सिक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स। याद रखिए ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। अब इतना समझ में आना चाहिए आपको क्यों एक्स क्यू हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर, याद आ रहा है, समझ आ रहा, तो हम लिखते हैं, अब कहते हैं पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो गया जी, इंटीग्रेशन 1 बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ है बेटा, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस क्या टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स को हमने क्या लिखा है टी। फॉर्मूला देख लो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई टू ए, ए मतलब क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं दिस और इनटू लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, ए मीन्स व्हाट 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सी। टी का मान तो पता है आपको, टी आपने क्या लिखा है टी इज इक्वल टू एक्स को, यानी कितना हो गया 1 बाई 6 लॉग
वन प्लस एक्स क्यू मीन्स वॉट, टी मीन्स वॉट, एक्स क्यू बाई वन माइनस एक्स क्यू प्लस सी। तो ये आपके पास हो गया सेकेंड। लेकिन अगर आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ जाए कि ये थर्ड हम कह रहे हैं, थर्ड देता है कि भाई अब बताइए इंटीग्रेशन वन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब आता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखिएगा वन बाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, क्या लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, समझ में आ रहा, वो तो ठीक है फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन ये क्या है एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, क्या होगा बेटा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसमें रख के देखते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया जी, वन तो है नहीं, डीएस का मान कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या है ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, आगे बढ़ा के देखिए इट इज ए बाई ए स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहां पर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा और नीचे है वन प्लस हाउ मच टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितनी हो गई वन बाई ए इंटीग्रेशन डी थीटा, वेरी सिंपल, यानी कितना हुआ वन बाई ए थीटा प्लस सी, एंड व्हाट इज थीटा, अगर यहां से आप टैन थीटा निकालोगे तो कितना होगा बेटा एक्स बाई ए, देयरफॉर थीटा का मान क्या होगा टैन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये क्या हो गया दिस इज इक्वल टू वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी आपके पास जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आपके पास थर्ड फार्मूला हुआ। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, एक्सरसाइज 7.4 का इसका जो एग्जाम्पल है, हम कह रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर वन इटसेल्फ, आई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, ये आपका एनसीईआरटी का, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने इसको एग्जांपल के रूप में ले लिया। फिर वही बात, इसको आप क्या लिखोगे बेटा, ये dx है, क्या लिखोगे बताओ, यू विल हैव 3x स्क्वायर और कैन यू राइट हियर एक्स क्यू होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ dx, अब तो समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या लिखोगे बोलो, पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, बस हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं, देयरफॉर आई का मान कितना हो गया बेटा, ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर, वन को लिख सकते हो वन स्क्वायर, क्या फॉर्मूला हुआ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है जी वन बाई वन इंटू टैन इनवर्स टी बाई वन, दैट इज दिस इज टी प्लस सी, और t का मान कितना है यहां से देखो, आपने t को क्या लिखा है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी, समझ में आ गई बात, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, आपको याद है पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x बताया था, बस यहाँ a है तो 1 बाई ए हो गया। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमने इसको उस फॉर्मेट में, यानी क्या किया, स्पेशल इंटीग्रल से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लिया, जब सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया तो ये सिंपल हो गया, ये तो रादर ये क्या है, ये तो फर्स्ट वाले से भी हो सकता है, सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। देखिए आपने अब तक फर्स्ट देखा वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
दूसरा देखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a, पहला इंटीग्रेशन था, दूसरा ए स्क्वायर में से, तीसरा आपने देख लिया 1 by x² + a². अब चौथा हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 √a² - x² dx, जो मैंने बताया था वो रख दीजिए, क्या हमने बताया था याद आ रहा, पुट x इज इक्वल टू हाउ मच, a साइन थीटा, अब एप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्यों a साइन थीटा रखा गया, वहां x² + a² था तो हमको एक स्टेप आगे बढ़ के सोच रहे थे तो 1 + tan² मिल रहा था, और यहाँ अगर हम इसमें एक स्टेप आगे सोचते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन, 1 - sin² θ होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो हाँ, लेकिन जब ये लिखते हैं तो रास्ते में इसकी सराफत को छोड़ना नहीं है, क्या इट इज dx a cos थीटा d थीटा, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, dx मींस व्हाट, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर होगा तो यहां होगा अंडर रूट 1 - how much साइन स्क्वायर थीटा, ए ए कैंसिल, कितना हो गया बेटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये भी हो गया कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा कैंसिल, और इंटीग्रेशन डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा प्लस सी, लेकिन यहां से थीटा का मान क्या होगा जी, साइन थीटा का मान कितना होगा बच्चों, एक्स बाई ए, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहां हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी आपने क्या कर दिया, This is equal to sin inverse x by a plus c. This can be used as a formula. ये जो fourth है, इसको हम एक formula के रूप में use कर सकते हैं। अब एक example देखिए, वही है exercise 7.4 का question number 4 है। देखिए कितना आराम से निकल रहा है। आप कह रहे हो कि 1 by i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 √9 - 25x² 9 - 25x² dx, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने एग्जांपल के रूप में लिखा है, क्या लिखोगे बच्चों, देखो क्या लिखते हैं, अंडर रूट 3² माइनस 5x² dx, हो तो गया सब कुछ वैसा ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आपको हम क्या सजेस्ट किए थे, अगर चाहते हैं कि हम एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं रखे, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ला दे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 √9 / 25 - x² और यहां पर क्या करिए, dx मतलब 25 कॉमन ले लीजिए, 25 जब कॉमन लीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा, याद आ रहा, 25 यहाँ तो 25 है रहे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बाई 25 इंटू 25 कर दोगे तो 25 25, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 9/25, और 25 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो वही हमने कह दिया 1/5 9/25 - x², कितना हो गया बेटा, इट इज 1/5 इंटीग्रेशन 1 √3/5² - x² अंडर रूट एंड दिस इज dx, अब तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया बताओ, 1/5 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय क्या, a मींस क्या, 3/5 प्लस सी, यानी हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, दैट्स ऑल, आप वैसे भी कर सकते थे, आप यहां लिख सकते थे 5x² फॉर्मूला लगा देते और कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते तो भी हो जाता, ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से नहीं होगा। नाउ सी द फिफ्थ वन, अब देखिए हम बढ़ रहे हैं एक क्रम में, यहां पर कह रहा है कि
इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हम इसमें क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, याद आ रहा है, बीच में प्लस है और आगे बढ़ के देख लो ना भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा। वो अब तक आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए था, नहीं होता तो फिर एक बार देख लीजिए। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से बाद में हम थीटा की वैल्यू बाद में निकालेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जी, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ डी थीटा तो होगा ही होगा, यानी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया ए, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे भी वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और ये ए हो गया, कैंसिल कैंसिल। हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं होगा इतना, यहाँ पर क्या होगा सेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा मतलब क्या हुआ जी, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी आपके पास कितना आ गया, आपके पास हो गया इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, टेन थीटा की तो वैल्यू पता है, यहां से हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना जी, एक्स बाई ए, बट व्हाट अबाउट सेक थीटा, देखो बेटा सेक थीटा की वैल्यू होती है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, याद है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सो सेक थीटा इज इक्वल टू, क्लियर है। अच्छा अब देखो इसको वैल्यू रखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कितना हुआ जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई सेक थीटा के, ये खूब यूज होता है। अब यहां अगर लिखते हो तो कितना होगा लॉग, देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, एक्स बाई ए प्लस सी हो गया। क्या करोगे अब, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो ये वैल्यू हो गई लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, समझ में आया बेटा, देखो ना लॉग एम बाई एन है, तो लॉग एम बाई एन का मान क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है तो इसको आप लिख सकते हो कि लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के, अलग से कांस्टेंट हो गया। इसीलिए इन जनरल जो फॉर्मूला हम इसको लिखते हैं तो वो लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज है, प्लस सी या के जो भी लिखना हो, क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये बहुत ध्यान से देखने का है, क्यों देखने का है, क्योंकि इसका यूज सिर्फ यही नहीं है, इसका यूज अभी हम बताएंगे कि एक जगह और है, अगले वीडियो में इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए यू शुड नॉट टेक दिस वन लाइटली। अब देखिए अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, वही एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स टू दी पावर 6 ए टू दी पावर 6 डी एक्स। एक्सरसाइज 7.4 का ये एग्जाम्पल है, हम एक क्वेश्चन फॉर्मूला देख लिया, अब कैसे यूज करेंगे हम उसको यही बताते चले जा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसमें क्या लिखेंगे, कैन वी राइट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट
एक्स क्यू होल स्क्वायर प्लस, याद रखिएगा, ए क्यू का होल स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ए टू द पावर सिक्स को क्या लिख दिया, ए क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। इसमें देखो बेटा क्या लिखने जा रहे हो, अगर आप लिखते हो क्या लिखोगे सोच के देखो अपनी कॉपी में, हमसे आगे करके देख लो तो आपको मजा आएगा। पुट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, डी टी। देयर फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या होगा, डी टी बाई थ्री। ये तो आपने कह दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो गई, यहां तो क्लियर हो गया, क्यों आपने किस एक्स क्यू को लिखा। तो अब आप आई को क्या लिखोगे, आई को आप लिख दोगे दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटीग्रेशन, ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी डी टी, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यू को आपने टी लिख दिया, ये तो वही फॉर्मूला हो गया। बस फर्क ये है कि जहां ए होना है वहां पर क्या हो गया है, ए क्यू हो गया है। क्या फॉर्मूला होता है देखो, दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो रहने दो, यहाँ क्या होगा जी लॉग मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स मीन्स वॉट टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब क्या ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू पता है क्या है बेटा बताओ, वन बाई थ्री लॉग टी, हम लोग क्या लिखे थे एक्स क्यू, तो क्या लिखोगे एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स, फिर देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर एंड प्लस सी है। तो आपका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर बिकम्स वन बाई थ्री लॉग एक्स क्यू प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर सिक्स प्लस ए टू द पावर सिक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। तो आपने क्या देख लिया, फिफ्थ वन आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव गॉट द आंसर। नाउ द सिक्स्थ वन, इट्स वी हैव टू इंटीग्रेट वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बेटा हमने ये भी बता दिया कि हम इसको क्या लिखते हैं, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, हमने क्या लिखा था, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, समझ में आ रहा, एक स्टेप देख लो ना, यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, वो सीधी सी बात है, वो सब कुछ यही डिसाइड करता है कि यहाँ क्या रखना है। तो अब इसको क्या लिखोगे बेटा, अब जैसे एज यूजुअल आप करते जाते हो ए सेक थीटा टेन थीटा, याद आ रहा है कि भूल गए, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, तो आप लिखोगे देयर फोर आई इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया डी थीटा। दिस इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ तो चलेगा। देखो बेटा इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, तो हमने इसको नीचे ही ए लिख दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा टेन थीटा, ये टेन थीटा हो गया, ये डी थीटा हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको देखने से लगता है कि ये तो हम लोग पाए ही हैं, हाँ फर्क ये है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, याद रखो आप लिख रहे हो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या सेक थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस के, हम कह रहे हैं क्यों, समझ में आ रहा, पिछले वाले में सी लिखे थे हम लोग, तो उसको हम लोग के लिखना पड़ेगा, हम इस पर के कर दे रहे हैं, बाद में चल के सी लिख देंगे। यहां आते आते अब आपको करीब करीब समझ में आ गया होगा कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, यहां से देख लो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है जी एक्स बाई ए है, और आप क्या लिख रहे हो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, कैन यू टेल मी व्हाट इज टैन थीटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यानी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट बाई ए। तो यहां आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस के। आगे बढ़ के देख लो, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू होगी, टैन थीटा की वैल्यू इतनी नहीं होगी, सॉरी वेरी सॉरी, टैन थीटा की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट। याद आ रहा? मतलब क्या हुआ जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। तो क्या फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस के, और इसको लिख सकते हो सी। तो आपने क्या फॉर्मूला निकाल दिया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो पहला वाला था, लेकिन हमने इसको किसके फॉर्मेट में कर दिया, इसको हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब उसी का मतलब क्वेश्चन नंबर, हमको लगता है कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए इसका एग्जांपल हम लोग फिर वही देखते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 7। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। देखिए एनसीईआरटी के हमने कई क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरम के साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि यहां से लग रहा होगा कि ये तो अंडर रूट एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है, लेकिन अगर इसको सिर्फ सेपरेट कर दीजिए, यहाँ एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स कर लीजिए, और माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स कर लीजिए। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, क्या फायदा हुआ देखिए, दिस इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, यहां तो क्लियर है, एंड माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है। ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं वन। लेट सपोज दैट दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू, हमने कह दिया लेट। क्यों हमने अलग कर दिया, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, जो आपका फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला में क्या है जी, ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, ये आई वन है, हम इसको लिखते हैं और इसी में ले आकर रख दीजिएगा। हम कहते हैं कि लेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफोर टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, टू टू कैंसिल, यानी हमारे पास एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई जी, टी डी टी हो गई। अगर हमारे पास से टी डी टी हो गया, तो आप लिख सकते हो देयरफोर आई वन इज इक्वल टू टी डी टी by t integration, क्यों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, टी टी कैंसिल, क्या हो गया दिस इज इक्वल टू टी प्लस के वन, और टी का मान कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के वन, इसको हम मान लेते हैं टू। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, हमारे पास इसकी तो वैल्यू निकल गई, यानी ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, जो दैट इज जो आई टू है,
हम तो उसी के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो हमने उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, याद आ रहा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी तो किया था, क्या लिखे थे, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू थ्री। आप क्या लिखोगे, यूजिंग टू एंड थ्री इन टू वन, हमने जो और लिखा है ना हम इसी में लिख देते हैं, देयरफोर आई इज इक्वल टू टू और थ्री, यहाँ टू रखो यहाँ थ्री रखो यहाँ माइनस कर दो। देखो बच्चों, हमने इस अब तक जो हमने स्पेशल इंटीग्रल्स वन में जो फार्मूला हमने देखा है, हम उसको दो मिनट में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मेरे साथ साथ नेविगेट करिएगा, क्यों, क्योंकि ये याद रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने देखा था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था, यही था ना। तो अगर इसको हम लिखते हैं तो इसको हमने कहा था कि दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ए लॉग एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए प्लस सी। दूसरा हमने देखा था कि इंटीग्रेशन वन बाई ए स्क्वायर, इसकी भी जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। दूसरा, तीसरा आपने देखा था वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, कितना हुआ था, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चौथा आपने देखा था कि वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो गई थी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमारे पास लग रहा है कि हम लोगों ने ये गड़बड़ किया है, ये माइनस था और ये प्लस था, और ये ए प्लस एक्स है ए माइनस एक्स है, बाकी सब सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, देखिए इसमें हमने जो चार फार्मूला देखा था, लेकिन जो पांचवा फार्मूला हमारा था वो था वन बाई अंडर रूट, याद आ रहा है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो आपने कहा था कि दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और छठा भी वही था, बस नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स था, तो यहां भी हमने वही कह दिया था कि दिस इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। सो दीस आर द सिक्स फॉर्मूले वी हैव डिस्कस, and we have seen six more examples also. Now we'll take up some questions and some questions from my side. देखो बच्चों, exercise 7.4 से सभी questions हमने देख लिए हैं, except a few. ये जो शुरुआती दौर में जो इस formula पर आधारित questions हैं, ये सिर्फ चार पांच questions रह गए हैं, हम लोग इसको discuss कर लेते हैं, then we'll proceed on to the next unit. देखिए सबसे पहला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर थ्री, वन टू हो गया है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है कि वन बाई अंडर रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। देखिए आपके पास फार्मूला होता है वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, दिस फार्मूला इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस इतना सा फार्मूला है। फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह पर कितना है जी, एक सी जगह पर कितना है टू माइनस एक्स का, तो डायरेक्ट भी ले सकते हो और चाहे तो सब्स्टिट्यूट भी कर दोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट करते हो तो कितना होगा, दिस इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ टू माइनस एक्स, पहला तो हो गया एक्स, हो गया एक्स जगह पर टू माइनस एक्स है, प्लस अंडर रूट किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस वन स्क्वायर, द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाई माइनस वन, क्यों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मान है वन, याद आ रहा, लीनियर में जब होता है एस प्लस बी होता है तो हम एक्स कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो उसको हमने यहाँ कर दिया, पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, हमारे पास क्या दिया है,
9/25 अंडर रूट, याद आ रहा है, हम इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएस का मान क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिखोगे, मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं, ये 5 होगा अंडर रूट 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, फिर वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 1/5 साइन वर्स एक्स बाई 3/5 प्लस सी, यानी 1/5 साइन इनवर्स 5x बाई 3 प्लस सी। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे जो हमने ऊपर वाला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह रहे हैं कि साहब ये 3x बाई 1 प्लस 2x, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कुछ मत करिए, 3 बाहर करिए, यहाँ x कर लीजिए और यहाँ पर 2 कर लीजिए, ये 1/2 हो गया, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा, हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से 3 हटा दिया, नीचे से 2 का कॉमन लेके चले आए, तो हमारे पास 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और x टू द पावर 4 को क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। इसमें हम कहते हैं पुट, क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt by 2, यहां तक क्लियर है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 3/2 I इज इक्वल टू 3/2 और dt by 2 है तो 1/2, x dx की वैल्यू है dt by 2, 1/2 बाहर चला गया, और इसको आप लिखोगे 1/√2 का होल स्क्वायर एंड प्लस हाउ मच टी स्क्वायर, वो ना भाई ये 1/2 है, 1/2 हमको नहीं दिखाई दे रहा, हमको तो 1/√2 का स्क्वायर दिखाई रहा है, क्यों, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/x² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टैन इनवर्स क्या एक्स बाई ए, तो ये हो गया 3/4 1/a, यानी 1/ क्या 1/√2 इंटू टैन इनवर्स टी बाई 1/√2 प्लस सी, यानी ये कितना हो गया 3√2/4 इंटू टैन इनवर्स, रूट टू ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा √2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो √2 को हमने वही कहा ना एक्स बाई ए, तो टैन वर्स एक्स बाई ए मीन्स √2 पर चला गया, तो हो गया √2 एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 9 में क्या दिया हुआ है, आप इसमें क्या लिखने वाले हो, इसमें लिखने वाले हो पुट, ध्यान से देखना, टैन एक्स इज इक्वल टू टी, यानी sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देखो वो अपने आप आपके मन में आ जाएगा। सो उस केस में हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, ऊपर डी टी होगा और अंडर रूट में होगा टी स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यानी 1/x² प्लस ए स्क्वायर, आई होप इट इज क्लियर। सो इफ इट इज डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, लॉग, आपको याद है इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है, देखो एक हम लोग फॉर्मूला देखे थे 1/√x² प्लस ए स्क्वायर डीएस, कुछ कुछ याद आ रहा, क्या फॉर्मूला था, इट इज लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, एक्स जगह पर क्या हो गया टी हो गया, ए की जगह पर क्या है टू है, सो दिस इज इक्वल टू लॉग टी प्लस अंडर रूट हाउ मच टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सी, एक्सैक्टली द फॉर्मूला यू हैव यूज्ड एज 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, सेम फॉर्मूला भी है, स्ट्रेट वे यू आर यूजिंग द फॉर्मूला एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी, आप लोगों ने टी क्या लिया था बेटा, टी लिया था लॉग टी की वैल्यू कितनी होगी, इट इज टैन एक्स प्लस अंडर रूट टैन स्क्वायर एक्स एंड प्लस हाउ मच 4 प्लस सी, सो दिस वे
we have finished exercise 7.4. Now we'll see some extra questions. देखो बेटा, हमने आपसे बताया था कि 1 by a square minus x square ds की वैल्यू क्या थी, 1 by 2a log a plus a x by a minus x. अगर आप इसको ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, तो हम डायरेक्ट याद रखिए ये a square minus x square की वैल्यू थी, और दूसरी थी x square minus a square ds की वैल्यू हमने कहा था 1 by 2a log x minus a by x plus a. ये फॉर्मूला था. हम इसी दोनों के इर्द गिर्द पहले घूमते हैं. देखिए सबसे पहले ये देखिए 1 by 16 x square दिया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 by, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4x square minus 5 का square dx. ये क्या हो गया, x square minus a square. क्या फॉर्मूला होता है, 1 by 2a. तो कितना लिखोगे, 1 by 2a का मान क्या हो गया, 5 into log, क्या हो रहा है, x minus a by x plus a. x minus कितना है जी, 4x minus 5 by 4x plus 5, ये हो गया plus c. लेकिन यहाँ coefficient of x कितना है, 4 है, तो हम यहाँ कह देंगे divided by 4, यानी क्या हो गया, 1 by 4, कितना हो गया, 1 by 40 log 4x minus 5 by 4x plus 5 plus c. इसको आप चाहो तो x वहां से 4 हटा के भी कर सकते थे, जो हमने पहले किया था. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब जो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, आप वे भी ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप लिख सकते हो 1 बाई बी स्क्वायर डी एक्स बाई ए बाई बी होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बी स्क्वायर बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना. देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लिखोगे बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. समझ में आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. इसीलिए जब कुछ नहीं वहां रहता है और वहां कॉमन लेते हैं तो डिवाइड कर देते हैं. ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, नहीं है तो यहां से सीख लो. अब ये किसके फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 बाई बी स्क्वायर. पहले देखो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई टू ए. ए मीन्स वॉट, ए बाई बी, ए की जगह पर कितना है, ए बाई बी, देखो 1 बाई टू ए एंड लॉग मॉड ऑफ ए. ए प्लस एक्स मीन्स वॉट, ए बाई बी प्लस एक्स बाई ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी. सिंप्लीफाई करिए, ए बी बी कैंसिल, 1 बाई टू ए बी हो गया, और यहाँ कितना हो गया, log बी एक्स प्लस ए या ए प्लस बी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बी बी नीचे कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड वन. लेकिन इफ यू हैव अ थर्ड क्वेश्चन, जहां पर फिर क्या आएगा, अब देखो यहां पर हमारे पास अंडर रूट आ गया. अंडर रूट आपको पता है कि 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, लॉग मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. फॉर्मूला तो यही है. ये क्या हो गया बेटा, देखो दिस इज, हम इसमें क्या लिखते हैं, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स डी एक्स विद माइनस साइन इज इक्वल टू डी टी. देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स का मान क्या होगा जी, डी टी विद माइनस साइन. देयरफॉर आई का मान कितना होगा बेटा, माइनस डी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. हो गया क्या, कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर. क्यों, क्योंकि कॉस को आपने टी लिखा है और माइनस बाहर इसलिए कर दिया. देखो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, बिल्कुल सिंपल फार्मूला. अब अगर रखते हो तो क्या होगा, माइनस लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सी. कितना होगा बताओ, इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस लॉग व्हाट अबाउट टी. टी हमने किसको लिखा था, हमने टी लिखा था कॉस एक्स को, तो हम यहां लिखते हैं कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस सी. वेरी सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्या है बताइए, ये है 9x/9 - x^4। ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3² - x² dx। x^4 को ऐसे लिखते हो, क्या लिखोगे, लिख x² = t 2xdx। हर जगह वही हम लोग कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे कर रहे हैं। तो इसलिए आपने i को क्या लिख दिया, ये 1/2 dt यहाँ हो गया, और ये हो गया 3² - t² याद आ रहा, a² - x² फार्मूला। a² - x² को हम लोग क्या लिखे थे, लिखे थे 1/2 a। 2a means what? पहली बात तो है कि हमने यहाँ 2 कर दिया, इंटू 1/2 a की जगह पर कितना हो गया 2 × 3 log। याद आ रहा है 1/a² - x² की वैल्यू कितनी थी बेटा, log a + t / a - t + c, यही था ना। यानी हमारे पास हो गया 1/12 log a + t का मान आप क्या लिखे थे, t को लिखे थे आप x², तो हो गया a + x² / a - x² ए मतलब क्या, हमारे पास a नहीं है बल्कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ होगा a प्लस मन सॉ 3 + x² और 3 - x² + c। दैट्स ऑल। अब देखिए कि सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया है e^x / e^2x + 1। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर पुट e^x = t। ये बेसिकली क्या है, तो उस केस में e^x dx का मान कितना होगा बेटा, dt। तो i का मान क्या होगा, ऊपर होगा dt और नीचे हो जाएगा t² + 1। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan inverse t + c, दैट इज tan inverse e^x + c, फर्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप स्पेशल इंटीग्रल लगा रहे हो। देखो इसको आप अगर लिखते हो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आप लिखोगे इट इज e^3x / देखो ये 4 यहाँ पर है, कंफ्यूजन हो रहा है तो 1/4 बाहर कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा e^3x² - 9/2² जो ही आपने इस फॉर्मेट में लिखा कितना हो गया बेटा बताओ, लिखोगे ना e^3x = t, पुट सो 3e^3x dx = dt, देयरफॉर e^3x dx = dt/3। यानी i की वैल्यू क्या हो गई, i इज इक्वल टू हो गया, देखो 1/4 तो पहले से ही था, ये 1/3 हो गया, ऊपर t² हो गया, और यहाँ हो गया t² 9/2² क्या फार्मूला सॉरी e^3x dx की वैल्यू हो गई dt। तो ये हो गया dt, यहाँ हो गया 1, क्या फार्मूला 1/x² - a² तो 1/x² - a² का मान कितना दिया 1, फिर वही 1/2a वाला फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या रखना है, log x को क्या लिखना है, log x इज इक्वल टू t कर देना है, तो 1/x dx = dt, तो ये कितना होगा 1/√t² - √5² फॉर्मूला वही √x² - c² log x + √x² - c² ये। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, 8 में देखिए क्या है, बिल्कुल वही सवाल है, सिर्फ 1/ आप जो 8th क्वेश्चन कह रहे हैं इसको आप क्या लिखोगे 1/√5² - x - 2² dx, क्या हुआ 1/a² - x² याद आ रहा है, √1/a² - x² की वैल्यू कितनी थी याद आ रहा है, दिस इज इक्वल टू sin inverse x - 2/5 प्लस सी, यही तो था 1/√a² - x² = sin inverse x। भाई फर्क क्या है ना कि जहां x है वहां क्या है, x - 2 है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये एक बढ़िया सवाल है,
बढ़िया, क्या सवाल है? अभी मैंने मेरे दिमाग में आया कि हाँ अगर हम ऐसे क्वेश्चन देंगे तो क्या होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, I इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास साइन 2x है और नीचे मैं इसको लिख रहा हूं कि ये साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है। समझ में आ रही बात? ये साइन स्क्वायर x है, ये साइन साइन रेस्ट पर 4 है, तो हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों हम कह रहे हैं, मैंने पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन 2x होता है और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस 2x होता है। हम क्या लिखने वाले हैं, समझ में आ रहा है हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स का डी डी एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये मैंने बार बार बताया है और कॉस स्क्वायर क्या होता है, माइनस के साथ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पुट इज इक्वल टू टी, हमने साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर यहां भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएट करो, पहले क्या करोगे, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, उसके बाद क्या होगा डी एक्स, इसके बाद क्या होगा डी टी, यानी ये कितना हो गया साइन 2x, ये कितना हो गया डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी बाई, ये दोनों चीजें हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर I should be equal to 1/2 dt upon under root how much t square plus root 2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? देखो ये t square तो ठीक है क्योंकि sin square को आपने t लिखा है, लेकिन I'm very sorry ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर है, पहले से 4 है तो वो 2 का स्क्वायर है और हमें पहले से फार्मूला पता है, याद आया बेटा, ये होता है 1/√a स्क्वायर में से स्क्वायर, इट इज log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू log mod ऑफ t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। आपने t की वैल्यू रख देना है, 2 स्क्वायर को 4 स्क्वायर कर दीजिए, यू गॉट द आंसर। देखिए हमने अब तक जितने भी फार्मूला रादर 6 हमने फार्मूला डिस्कस किया था और उनका एप्लीकेशन मैंने देख लिया कि कैसे हम वो करते हैं और एक्सरसाइज 7.4 का उस पर आधारित जितने क्वेश्चन थे सब ने देख लिया। अब जानबूझ के मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने पहले बता दिया था, उसका कारण क्या था आज आपको समझ में आ रहा है। देखिए हम सबसे पहले एक फार्मूला लिख ले, हम एक अलग से थ्योरम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है या वैसे भी आपको जानकारी चाहिए, दैट इज 7th, वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बताया था कि यू कैन पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, उसके बाद सिम्प्लीफाई करते जाइए, थीटा के फॉर्म में आता है और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर दीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा खूबसूरत तरीका है कि अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं तो वी कैन राइट इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 dx, जो हमने लॉग एक्स के लिए किया था, साइन इनवर्स एक्स के लिए किया था, टैन इनवर्स एक्स के लिए किया था, याद आ रहा? तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा जी, फर्स्ट फंक्शन, ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखते हैं याद आ रहा है फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये दोनों एक साथ हो गया और ये dx हो गया। हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो फर्स्ट सेकेंड का यूज होता है फॉर्मूला कर दिया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, बी केयरफुल, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले अंडर रूट का हो गया और इंटू माइनस 2x, क्योंकि ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x विद माइनस साइन, और इंटू एक्स
और यहां हो गया dx, 2 कैंसिल। जब हम यहां पहुंचते हैं, याद रखिएगा, तो ये हमारे पास हो गया, यानी ये i की वैल्यू है, i का मान इतना है, इसको मान रख लीजिएगा। तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पर हमारे पास हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम, हमारे पास आ रहा है माइनस स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखिए, इसमें हमने क्या किया कि हमने ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर कर दिया, मतलब हमारे पास आ रहा था माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, प्लस ए स्क्वायर यहां कर दिया और फिर यहां हमने माइनस कर दिया, क्यों, एक ए स्क्वायर जोड़ दिया और एक ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखें, अगर आप सपोज कर लीजिए कि हमारे पास इतना तक पहुंच गए हैं, अच्छा कुछ इसका मतलब होगा, क्या मतलब है, आप देखिए, देखो बेटा कितना हुआ, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जरा हम अलग अलग करते हैं, क्या लिखेंगे बेटे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट, ये समझ में आ रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई दिस बाई दिस, ये हमने डीएक्स अलग से कर दिया और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, समझ में आया क्या, इसको हम इसके साथ लिख रहे हैं, इसके साथ लिख रहे हैं, एक स्टेप हमने अलग कर दिया, तो होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट दिस मच, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो एक बात और, दिस इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, याद आ रहा है, लिखते हो ना, एक्स बाई रूट एक्स का मान क्या होता है बेटा, रूट एक्स होता है, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास क्या वैल्यू है जी, ये वैल्यू हमारे पास हो गई प्लस ए स्क्वायर, इसका मान पता है, याद आ रहा, अभी किए थे हम लोग, इसकी वैल्यू होती है, ये फोर्थ फॉर्मूला था, साइन इनवर्स हाउ मच, एक्स बाई ए। लेकिन एक और इसमें ध्यान देने की बात है कि ये तो सर हमारे पास मिल गया, लेकिन सर ये वाला तो आई है, हम इसी से तो स्टार्ट किए थे, तो हमने उसको आई लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इस आई को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना होगा जी, टू आई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ गया इसमें, बताओ, इसमें हमारे पास फार्मूला मिल गया, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्यों, क्योंकि ये सब पर काम आएगा, इसका फार्मूला आ गया एक्स आर वन बाई टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू हर जगह होगा और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये फार्मूला आपका हो गया, क्लियर हो गया क्या, क्या हमने बोला, वन बाई टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और वहां पर ए स्क्वायर बाई टू के साथ क्या यूज हो रहा है, जो वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हो गया साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कुछ नहीं करना है, दिस इज इक्वल टू, ये एक्सरसाइज 7.7 है, 7.4 और 7.7 दोनों मिला करके हमने अलग से 15 क्वेश्चंस दिए हैं, जो अभी बता रहे हैं उसका आधार पर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, इस फॉर्मूला में रख दो, कहने का मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, ये ध्यान रखने की बात है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो एक चीज हम और बता दें कि सर वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये क्या है, इसका मतलब हुआ, देखिए जब एरिया अंडर कर्व पढ़िएगा और वहां पर जहां भी सर्किल इन्वॉल्व होगा इसका जीरो होगा और आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मेरे साथ साथ नेविगेट करिएगा,
तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू होगी अंडर रूट हाउ मच ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहीं अगर कोई बोलेगा आपको वाई डी एक्स, मैं वहां आपको याद दिलाऊंगा गुजरा जमाना, तो वहां पर क्या लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, याद आ रहा है यही वाला तो है, यही फार्मूला वहां हम ले जाके डायरेक्टली यूज कर लेंगे। यानी एरिया अंडर कर्व का जो क्वेश्चन, जो जो भी क्वेश्चन जिसमें सर्किल इन्वॉल्व होगा सब जगह होगा, जिसमें सर्किल इन्वॉल्व होगा और जिसमें एलिप्स इन्वॉल्व होगा सब जगह यही यही फार्मूला लगेगा, इसलिए दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक दूसरा फार्मूला हमारे पास है, दैट इज एट्थ वन, ये हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही फॉर्मूला वही तरीका, क्या लिखोगे बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन करते जाना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन वन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया डी एक्स। कितना होगा बताओ, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस शुरू कर दो वन बाई टू, बिल्कुल जो पिछला सवाल था वही हम कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स, टू टू कैंसिल। ठीक वैसे ही हम लोग चल रहा है जैसे जो हमारे हमने पिछले वाले में किया था वही हम काम कर रहे हैं। इट इज एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस आपके पास हो रहा है एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई हो रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ डी एस है, याद आ रहा है क्या हम लोग किए थे, हम लोग किए थे बेटा, बोले थे प्लस, हमने बोला था ना कि अगर ऐसा है तो इसके हिसाब से पाने के लिए आप इसमें प्लस ए स्क्वायर कर दो और माइनस ए स्क्वायर कर दो और इसको एक ब्रैकेट में कर दोगे, अगर इसको ब्रैकेट में कर दो कर देते हो तो आपको लगेगा कि आप पिछला सवाल है पिछला जो आर्टिकल है वही कर रहा हो। थ्योरम एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पता है याद आ रहा है हम लोग किए थे, ये फॉर्मूला नंबर फाइव है, लॉग सॉरी यस फोर फाइव था, क्या था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला पता चल गया। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस इसकी वैल्यू हो गई आई प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के, ये आई की वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे टू आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब इस टू को यहां से हटाइएगा तो फिर वही होगा वन बाई टू वन बाई टू। यानी अगर हम इसका निर्धारण करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो हम आपको चाहते थे कि आप याद कर लें वो ये है कि जो दिया है वही रहेगा, जो दिया है वही रहेगा विद वन बाई टू, तो वन बाई टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई वी टू वही रहेगा जो ऊपर वाला था। क्या चेंज होना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या था, इसमें जो वन बाई अंडर रूट था उसमें वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी थी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द सेवेंथ वन। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे जो एक्सरसाइज 7.7 का ही है, वो एक्सरसाइज 7.7 का पहला तो क्वेश्चन नंबर वन था, ये जो था वो क्वेश्चन नंबर वन था, इस पर है क्वेश्चन नंबर नाइन।
ये एक्सरसाइज 7.7 का दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट डीएक्स। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 9 को हटाओ, हमने क्या कह दिया, देखो ये पूरा अंडर रूट है, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये 9 है सॉरी डीएक्स है, 9 को बाहर लेके चले आओ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन को ही हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज कर दी, क्वेश्चन हमने कह दिया आई इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² + 3 का स्क्वायर डीएक्स, भाई 9 को हमने क्या लिखा है 3 स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जो फार्मूला दिया हुआ है, यानी आप क्या लिखोगे 1/3, देखो क्या लिखने जा रहे हो 1/2, याद रखिए मैंने 1/3 बाहर कर दिया, तो हमारे पास कितना हुआ 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स व्हाट 3² / 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3² प्लस सी, ये 1/3 बाहर है, 1/3 को लेकर अंदर चले जाओ, यू गॉट द आंसर। देखिए इसका जो लास्ट फॉर्मूला है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी ठीक वैसे ही चलता है, हम लिखते हैं 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस फर्क कहाँ होता है कि हर जगह प्लस होता है ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ क्या हो जाता है माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और फिर जो 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो इंटीग्रेशन था, यानी क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, आप समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों सबको एक साथ ला दिया, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है इंटरवोवन है, एक दूसरे से अंदर क्या हुआ है इंटरकनेक्टेड है, और एक याद करने से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, अगर एक को यहाँ करेंगे एक को वहाँ करेंगे एक को तीसरी जगह करेंगे तो हमको एक ही चीज़ को 3 बार झेलना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया इंटीग्रेशन बाई पार्ट पहले कर लिया था। अब देखिए अगर आप इसको करना चाहते हो, सपोज कर लीजिए कि ये आप जो थर्ड फार्मूला दैट इज 9th वन है, आप लिखते हो आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, हमने कहा कि इसको आप लिख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 dx, सिंप्लीफाई करके देखो जो हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दिया है, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dx ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है सेकेंड है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ dx 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या हुआ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये एक्स स्क्वायर है जो मैंने आपको सिखाया था उस हिसाब से, ये माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब चूंकि मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि हम उसी को बार बार कर रहे हैं, तो हम आई डोंट वांट टू, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है एंड माइनस ए स्क्वायर 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, आप तो यही कर रहे थे ना भाई ये माइनस ए स्क्वायर वाला कहाँ से आ गया आपके सामने, तो ये वैल्यू हो गई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा, हम इस आई को इधर लेके आते हैं तो 2i इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला यू हैव सीन। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप इस पर करना चाहते हो, जैसे आप कहते हो कि हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 49 dx है,
तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, 7 है, पुट द वैल्यू एंड यू गेट इट। हम लोग 7.4 में ही, 7.7 से ओनली एक दो क्वेश्चन हमने लिया था, वो जो तीन लास्ट वाला हम लोगों ने किया था, दैट इज 7, 8, 9 के लिए, यानी अंडर रूट या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। लेकिन नाउ विल सी सम क्वेश्चंस हियर। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडर रूट क्या कॉस एक्स अंडर रूट 9 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, हम इसमें लिखते हैं लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देयर फोर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देयर फोर आई इज इक्वल टू, देखो ये कॉस एक्स डी एस का मान क्या हो गया बेटा डी टी हो गया, और ये वाला क्या हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, याद आ रहा 9 को क्या लिख दिया 3 स्क्वायर, और साइन एक्स का मान क्या है टी है, और कॉस एक्स डी एस का मान क्या है डी टी है, ये वाला डी टी हो गया। फॉर्मूला तो पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है फॉर्मूला क्या, एक्स टी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ होता है 1/2 प्लस, याद रखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखते हैं ए स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या होता है, याद आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स मीन्स व्हाट टी बाई ए 3 प्लस सी, चलिए इट इज टी, टी का मान क्या लिखे थे साइन एक्स, तो आपने क्या लिखा साइन एक्स बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/2 साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 3 एंड प्लस सी, याद रखिएगा ये वाला होगा। तो ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी वैसा ही सवाल है, इट्स नॉट समथिंग, मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा कुछ नहीं है, थोड़ी सी दृष्टि बदल देनी है। इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ये अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स, इसमें आप क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, क्या होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो थर्ड वाला दिया है ये तो बहुत आसान है, इसको आप क्या लिखना है, इसको आप कह दो ऐसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई 4 डी एक्स, और आपने 4 बाहर ले लिया तो कितना हुआ 2, 4 को बाहर ला रहे हो तो ये 25 बाई 4 हो जाएगा, और 25 बाई 4 को क्या लिख दोगे 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला हुआ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आ रहा है फार्मूला, इसी में माइनस होता है, यानी क्या लिखोगे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। सो दिस वे वी हैव सीन 9 स्पेसिफिक फॉर्मूले, ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है स्पेशल इंटीग्रल्स की जान है, ये 9 फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, लेकिन जो 9 फॉर्मूला बताया गया है हर जगह लॉजिक है। जैसे आपको याद होगा 1/2 हमने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दूसरा नहीं याद है तो माइनस बाहर कर दीजिए ना, लिख दीजिए 1/ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला कहा था 1/ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/ ए टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर 1/ अंडर रूट क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो क्या हो गया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया था, और 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का एक ही फॉर्मूला था, क्या था लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, अगर वहां प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाकी जो तीन फॉर्मूला हमने बताया था वो एक था कि भाई अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लिखते हैं एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स जो 1/ वाला होता है, फिर अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फिर वही एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग वो जो 1/ वाला होता है, और तीसरा वाला क्या था यहाँ माइनस होता है
या अंडर रूट एक्स स्क्वायर वन से स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर वन से स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग फिर वही एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस वे वी हैव डिस्कस ऑल द नाइन थ्योरम्स एज पर एनसीईआरटी, बट ये नौ फार्मूला जो है आपको स्पेशल इंटीग्रल करने के लिए, एरिया अंडर कर्व करने के लिए तो इतना ही चाहिए, लेकिन इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सल फ्रैक्शन में इसका यूज होगा, यानी इसको आपको याद करना पड़ेगा। और हमने इसको इसलिए एक साथ हमने कर दिया ताकि आपको सबको क्या करने में, कोऑर्डिनेट करने में और याद रखने में सुविधा हो जाएगी। क्वेश्चंस आल्सो वी डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, याद रखिएगा इससे क्वेश्चंस हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन हम जो अगला वीडियो होगा वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम पक्का है कि आना।